आरक्षण के समर्थन में है। अगर आरक्षण का इतिहास देखो तो हमको पता चलता है आरक्षण की जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले ने बनाई, ब्रीफ में बताता हूँ, संक्षिप्त में बताता हूँ। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले ने बताई 26 जुलाई 1902 को शाहू महाराज ने अमल में लाया। सातारा से ब्राह्मण गया, विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, उसने आरक्षण का विरोध किया। 1918 को विधिमंडल में आरक्षण का मामला आया तो बाल गंगाधर तिलक ने तेली तमोली कुनभटो को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है ऐसा कहकर विधिमंडल के आरक्षण का विरोध किया। तिलक का मृत्यु होते ही गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। जब साइमन कमीशन आया तो गांधी ने विधिमंडल के रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलकर रिप्रेजेंटेशन की मांग की तो गांधी जी को खुलकर आना पड़ा और पता चला ये रिप्रेजेंटेशन के विरोधी है। ये इतिहास है हमारे सामने, आरक्षण का जो इतिहास है ये हमारे सामने। और जब संविधान सभा में मामला आया, कांग्रेस ने संविधान सभा में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। संविधान सभा में आरक्षण की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर को लड़नी पड़ी। कांग्रेस संविधान सभा में आरक्षण का विरोध करती रही। बाबा साहब अंबेडकर आरक्षण की लड़ाई संविधान सभा में लड़ाते रहे। एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी आरक्षण मिले, यह लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर लड़ रहे थे, कांग्रेस ने नहीं मिलने दिया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जितना कर सकते थे 340वां आर्टिकल लागू कर दिया, संविधान में रखा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू को कहा, तीन बार कहा, फिर भी नेहरू ने नहीं माना। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के दबाव की वजह से नेहरू को कमीशन बनाना पड़ा। कमीशन का चेयरमैन कालेलकर बनाया तो सैबोटेज का अंदेशा हुआ, उसके विरोध में फिर बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और बैकवर्ड कुछ लोग अंदर डाले। उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस की 2218 जातियों की लिस्ट बनाई। कालेलकर ने साइन किया, साइन करने के बाद रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद के पास गया। राजेंद्र प्रसाद ने इसके विरोध में लेटर जवाहरलाल को लिखा। लेटर मिलते ही जवाहरलाल ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कालेलकर को बुलाकर 31 पेज का लेटर इसके विरोध में लिखवाया। लेटर मिलते ही संसद में बहस करने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में मुख्यमंत्रियों के नाम सीक्रेट लेटर निकाला। सीक्रेट लेटर में लिखा, आरक्षण से दोयम दर्जे का राष्ट्र बनता है, अमल मत करना। मुख्यमंत्रियों के नाम संविधान के विरोध में जाकर लेटर लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, चरण सिंह होम मिनिस्टर बने, उप प्रधान बने, तो अन्याय अत्याचार दलितों पर बढ़ गए हैं ऐसा प्रोपोगंडा पार्लियामेंट में कांग्रेस ने किया और चरण सिंह पर दबाव डाला इस्तीफे के लिए। चरण सिंह को बड़ा गुस्सा आया, उसने पुराने फाइलों से जवाहरलाल नेहरू का आरक्षण विरोधी लेटर निकाला और कांग्रेस के मुंह पर फेंक के मारा और कहा, ये देखो तुम्हारे पुरखे कितने महान थे जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, ये जरा आईना तो देखो। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के उस समय के बड़े नेता सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में संविधान के समीक्षा की कमेटी बनाई। संविधान की समीक्षा का अटल बिहारी का निर्णय जवाहरलाल नेहरू के निर्णय से प्रेरित है। अटल बिहारी से ज्यादा जवाहरलाल खतरनाक था। इतिहास है भाई, लिखी हुई बातें बता रहा हूं, दस्तावेज बता रहा हूं। जब जवाहरलाल नेहरू ने बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन डस्टबिन में कचरे के डिब्बे में डाला, फेंक दिया 1977 में, सभी नेताओं को अंदर डाला, 77 में आजाद कर दिया,
फिर चुनाव हुआ। चुनाव में सारे नेता डरे हुए थे, अपोजिशन के, इंदिरा गांधी के विरोध वाले नेता सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखा। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, अगर हमको बहुमत मिला तो हम कालेलकर कमीशन का निर्णय लागू करेंगे। सोचा नहीं था साला बहुमत मिलेगा, मिल गया, बहुमत मिल गया। मुरारजी प्रधानमंत्री बने। मुरारजी ने सोचा कि कालेलकर निर्णय नेहरू नहीं लागू किया, नेहरू नहीं लागू कर सका, अगर मैं लागू करूंगा साला खतरा पैदा हो जाएगा। उसने चाल चलने की योजना बनाई। बैकवर्ड क्लासेस का डेलीगेशन मुरारजी को मिला। मुरारजी को कहा, मुरारजी ए इलेक्शन मैनिफेस्टो, ए तेरा साइन, कालेलकर लागू करेंगे। हाँ, लागू कर। मुरारजी गांधीवादी। गांधीवादी होने का मतलब है डबल स्पीक करना। डबल स्पीक करने का मतलब होता है कि एक ऐसी बात कही जाए जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं, उसको कहते हैं डबल स्पीक। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डबल स्पीक, यानी एक सेंटेंस कहने का मगर उसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे जैसे शरद पवार ने बजाज को समर्थन दिया तो क्या कहा, महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये बजाजाचं महान योगदान असल्यामुळे आम्ही त्यांचं समर्थन करतो, बजाज आरक्षण का विरोधी है। बजाज का जब शरद पवार ने समर्थन किया तो जो आरक्षण विरोधी मराठा है उसको मेसेज गया, पवार साहेब आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहेत। हाँ ठीक है पवार साहेब, ठीक है। डबल स्पीक, समझ रहे हैं, डबल स्पीक, एक सेंटेंस के दो मीनिंग, उसको कहते हैं डबल स्पीक। राजनीति है, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। गांधी जी ने कांग्रेस के लोगों को बहुत सिखाया। ये जो डबल स्पीक है, मुरारजी ने कहा अरे ये पुराना हो गया है, ये 53 का है, अभी 77 चल रहा है, ऐसा करते हैं। ऐसा करके इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने जैसा उसका बाप था वैसा ही उसने काम किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ये जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी। इसके उल्ट में क्या होता है आप लोगों को मालूम ही है, आप ज्यादा समझदार हो। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी, जवाहरलाल ने पार्लियामेंट के टेबल पर नहीं रखा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं रखा। मगर जवाहरलाल के समय में और इंदिरा गांधी के समय में एक फर्क था। जवाहरलाल के समय में बैकवर्ड क्लासेस के लोग मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, इंदिरा गांधी के समय में 8% लोग बैकवर्ड क्लासेस के थे। उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया। जब हंगामा होता था, बार बार हंगामा होता था, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भी साथ सहयोग किया। तो नॉर्थ इंडिया में बार बार मैसेज जाता था बैकवर्ड क्लासेस में कि कांग्रेस के लोग बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में है, विरोध में है, विरोध में है। जब ये मैसेज जाता था तो इंदिरा गांधी को लगा, ब्राह्मणवादियों को लगा, क्या लगा ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मणवादियों को लगा कि 52% लोगों का अगर विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर चली जाएगी। अगर 52% का मंडल कमीशन समर्थन करता है ब्राह्मण, अगर कांग्रेस समर्थन करती है, ब्राह्मणवादी समर्थन करते हैं तो प्रशासनिक सत्ता चली जाएगी। समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा, और विरोध करते हैं 52% का पॉलिटिकल पावर चला जाएगा। समर्थन करना खतरनाक है, विरोध करना खतरनाक है, इसलिए समर्थन और विरोध करने के बजाय उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। तीसरा रास्ता क्या निकाला, इंदिरा गांधी ने रास्ता निकाला, क्या रास्ता निकाला, उसने जून महीने में, जून 84 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई स्वर्ण मंदिर पर की। स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करते ही भिंद्रान वाले मारा गया। परिणामता क्या हुआ, सारे देश भर में एक मुद्दे की चर्चा होने लगी। चर्चा का मुद्दा क्या था, मंडल कमीशन का चर्चा का मुद्दा गायब हो गया और चर्चा शुरू हुई खाली।